हाँ ये तो तेल के ही दाग है। रे सूरज तो दिन भर दुकान पे काम करे है, तेल का पीपा और घी का पीपा उठावे है, पर बीनड़ी के दाग कहीं अलग है। बीनड़ी कल तो तू दुकान पर भी ना गई थी ना? ओहो भाबो, वो क्या है ना कि सूरज सा के कपड़ों पे ये दाग लगा है ना, और मैं संध्या भाभी और सूरज सा के कपड़े एक साथ ले आई, तो सूरज सा के कपड़ों का दाग संध्या भाभी के कपड़ों पे भी लग गया होगा। ये लो, अच्छी खासी जिठानी जी की साड़ी खराब कर दी ना, वो भी इतनी महंगी वाली। भाबो मैं तो कहती हूँ इसकी तनख्वाह से ही काट लो। हाँ तू चुप क्यों बैठी है बेंदनी, तू पढ़ आगे। अजमेर पुष्कर रोड पर कल रात तेल के टैंकर से रिसाव के कारण सड़क पर तेल फैल गया, जिसके कारण एक के बाद एक कई सड़क दुर्घटनाएं हुई। बिंदी पढ़ना। कई कई मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार अपना संतुलन खो बैठे। ये कहीं वो वाली रोड तो नहीं जिसपे काफी दिनों से काम चल रहा था जो खत्म ही नहीं हो रहा? हाँ बाबा साहब सही बोला आपने, अभी पिछले हफ्ते इस रोड का उद्घाटन हुआ था, और पता है नए नए मॉल और सिनेमा घर भी खुले हैं इस रोड पे। हे मारा राम जी, कोई मरवर तो ना गया ना? दो लोगों को गंभीर चोट आने के कारण अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाबा साहब मैं आलू देखकर आती हूँ। हाँ बेटा। अरे अरे भाभी अखबार कहाँ लेके जा रही हो, लाओ मैं पढ़ देता हूँ। जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुर्घटना में 6-7 लोगों को चोटें आई। इतनी सर्दी में भी आधी रात में लोग बाहर क्यों निकले हैं? आगे लिखा है कि नगर पालिका के आने से पहले ही वहां कुछ जिम्मेदार लोगों ने सड़क पर मिट्टी डालकर सड़क साफ कर दी। अरे वाह, ये तो जिठानी जी वाला दिमाग लगा दिया लोगों ने। रे भीनड़ी, आलू हो गए तो आजा, अठे आकर सूरज की मदद कर। जी भाबो। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, स्कूटर और मोटरसाइकिल ही पलट गए, बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कुछ लोगों को मोहित, तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही क्या? हाँ भैया जा रहा हूँ, बस ये लास्ट खबर पढ़ के निकल रहा हूँ। शेष खबर पेज 12 पर। मैंने ऑफिस से याद आया, हमारा पुराना दोस्त है ना गंगाधर, उससे मिलने जाना है। क्या हो गया बाबा साहब? कागज को बेचारा 3 दिन से बीमार चल रहा है, जाने को ही नहीं हो रहा था। मैंने सूरज बेटा मैंने स्कूटर से छोड़ देना वहां पर। बाबा साहब मैं आपको दोपहर को 2 बजे के बाद छोड़ दूंगा। अच्छा Thank you.
ये तो सूरज भैया का स्कूटर है। बाबा साहब एक मिनट में आप। बाबा साहब आपको पता है भैया आपको आपके दोस्त के घर अभी स्कूटर पे क्यों नहीं छोड़ के आ सकते? अरे कोई काम होगा दुकान का, डिलीवरी देने जाना होगा। मैंने क्या जल्दी है? नहीं बाबा साहब, भैया ने आपको मना किया है कि वो अभी आपको इसलिए स्कूटर पे नहीं छोड़ के आ सकते क्योंकि स्कूटर तो 8-9 किलोमीटर दूर अजमेर रोड पे खड़ा है। अब लाते लाते दोपहर तो हो ही जाएगी ना। नहीं भैया इसीलिए भैया ने आपको बोला था कि दोपहर तक छोड़ाता हूँ। ये देखो ला देगा, ये देखो। देवी दुर्घटना वाली जगह पर कैसे आया? रात को जब मैं दुकान बंद करके आया था तब तो भारी खड़ा था भैया। ये मोहित ला जरा मने भी दिखा। बता ये। ये सब के है सूरज, थारा स्कूटर अजमेर कैसे पहुंचा? कल तो तने मिठाई भी ना पहुंचानी थी ना। भाबो वो। अरे भाबो तू पूरी बात तो समझी नहीं। भैया भाभी के कपड़ों पे जो तेल लगा है ना वो दुकान का नहीं है, सड़क पे गिरने से लगा है। उन दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना भैया के साथ भी घटी थी। पता है भैया अकेले नहीं गए थे, देर रात को अजमेर भाभी को साथ में लेके गए थे। अरे जिठानी जी दिखाइए, मारे को दिखाइए, कहाँ लगी आपको चोट? कहीं तो लगी थी ना। हाँ, हाय बाबू ये देखिए कितनी चोट लगी है। रे सूरज हाँ छोरा, ज्यादा चोट तो ना लगी ना तुम्हें? नहीं नहीं बाबू मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी। मारा राम जी, रे इतनी चोट लगी है हा? और तू ठंडे पानी में काम करने के लिए बैठ गई, दवाई तो लगाई होती ना। नहीं बाबू दवा लगा ली थी, अब ठीक है। अरे जिठानी जी आपको तो बड़ी तेज लगी है, मुझे कह देती मैं हल्दी का लेप बना के लगा देती, गरम दूध पिला देती और ठंडे पानी वाला काम भी सारा काम मैं कर लेती। वैसे जेठ जी आप दोनों इतनी रात को वो भी इतनी ठंड में अजमेर क्या करने गए थे? वो भी घर में हम में से किसी को बताए बिना, है ना बाबू? सूरज इतनी रात में केल लेने गया था बिरणी ने लेकर, ये तो राम जी की कृपा थी जो छोटी सी चोट में निपट गया। जब भारी चोट लग जाती तो इतो के जरूरी काम तो जो इतनी रात में निकलना पड़ा। अबो, फिर नहीं समझे ना तू पूरी बात। अब एक बात बता,
भैया को पूरे दिन में फुर्सत मिलती है दुकान से? नहीं मिलती ना, तो उन्होंने सोचा कि रात के शो में फिल्म देखाता हूँ। नए नए सिनेमा हॉल खुले ना इस रोड पे। लेकिन मोहित भैया, आपको कैसे पता कि वहाँ पे थिएटर खुला है? क्योंकि आप भी तो पिछले 2-3 महीने से नहीं गए ना वहाँ पे। अरे पगली, अखबार है ना, सब पता लग जाता है इसमें। वो मल्टीप्लेक्स है ना, मेरा मतलब 3-4 सिनेमा हॉल है ना इस रोड पे। अब तुझे पता है हॉल में सिनेमा हॉल के अलावा खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं, तो भैया ने सोचा होगा कि देर रात को निकल जाते हैं, फिल्म भी देख लेंगे और खाना पीना भी हो जाएगा और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिल्म देख के लौट रहे होंगे तो स्कूटर फिसल गया होगा, हो गया होगा एक्सीडेंट। चुप कर मोहित, फर्क है तुम सब में और मारे छोरे सूरज में। मारे से पूछे बिना तो ये पलंग से नीचे बिना उतरे हैं, और अगर विनड़ी ने फिल्म ही दिखाना होता तो मारे से पूछ कर जाते। पिछली बार भी तुम्हारे से पूछ कर ही गया था। फिर खुद ही पूछ लेना भाभो भैया से कि देर रात भाभी को साथ लेकर अजमेर रोड पर करने क्या गए थे ये? ना बताए गए थे इसलिए शायद एक्सीडेंट वाली बात भी नहीं बताई घर पे किसी। बोल सूरज, इतनी रात ने केलेंड नहीं गए हो तो बैठे, कौन सा जरूरी काम पड़ गया था सूरज? थारी चुप्पी बता रही है कि तूने अपनी भाभों को धोखा दिया। कल आप ही मने कह रहे थे ना कि तूने दाइसा का गुस्सा अपनी बीनड़ी पर उतार कर ठीक ना किया, अपनी बीनड़ी की तरफदारी कर रहे थे ना। अब कहिए ना कि बीनड़ी अपनी मुंह में मारे छोरे से के करवा गई, सही है के? कल आपकी बात सुनकर बाद में मारा मन पिघला और मैं सूरज के पास गई कि जा छोरा, तारे बीनड़ी ने अठे भेज, मैं सिलाई सिखाऊंगी उसे। और मारा छोरा मारी आंख में झांकते हुए कहा कि भाभो, मारी बीनड़ी तो सो गई। मन झूठ बोलते हुए तारे शब्द ना हिचकिचाए, काल जा ना चीरा तारा कि बेनिनी ने फिल्म दिखाने के लिए तूने अपने भाभू से झूठ बोला। बेनिनी तारे लिए तारी मां से बड़ी हो गई, चुप क्यों खड़े हो? आप तो हमेशा यही बोलो ना कि मैं झूठा गुस्सा कर रही हूं, अब बोलो कि इसमें भी इसकी गलती ना है। मारे छोरे ने मजबूर होकर झूठ बुलवावे, फिर भी इसकी गलती ना है। हर रोज हर दिन एक नया सूरज लाकर हमारे सामने खड़ा कर देवे, फिर भी इसकी गलती ना है। सारी गलती तुम्हारी है ना? हाँ भाई, घर में बड़े होकर ही आप ऐसा करते हैं, और तलवार तानी जाती है छोटों पे। हमसे कुछ गलती हो जाए ना तो कान पकड़कर भाभो हमें यहीं बैठा लेती है।
लेकिन आपका सही है, देर रात बिना बताए सैर सपाटे के लिए निकल गए। देख रहा है ना सूरज, ये थारे को नहीं बोल, ये मन ने बोल रहा है। कितनी बार छोरा अपने मन में समझा कर थारे पर भरोसा कर, और कितनी बार तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा। मने तो लागे छोरा थारी बीनी की खुशी के आगे मने लागे कि तने थारी बाबू दिखना बंद हो गई। रे छोरा, अगर तुझे जाना ही था तो कह कर जाता। मैं कौन सा रोज रात ने था दोनों के पैर में जंजीर बांधकर खूंटे पर टांग दियो। कहता मारी आंखों में के भावो, मारी पढ़ी लिखी बीनी के सपने अलग है, शौक अलग है, ये सिलाई बुनाई घर संभालना ये थारी जैसी कवार लुगाइयों का काम है। मारी बीनी ने घर गृहस्थी के काम में मत घसीटो, तो ना घसीटती छूरा, पर छूट क्यों, छूट क्यों छोरा? इतनी राक्षसी समझे अपनी बाबू ने। हाँ बाबू, मुझे बताया क्यों नहीं कि भाभो कल रात को मुझे सिलाई सिखाना चाहती थी, घर में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? संध्या जी, आपके कॉलेज का समय होता जा रहा था, अगर आप भाभो के पास चली जाती तो आपकी कल की पढ़ाई छूट जाती, और वैसे भी संध्या जी आपके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है, दूसरों के मुकाबले आप पीछे हैं। सूरज जी, पढ़ाई के हर पल की कीमत समझती हूँ, लेकिन भाभो की भावनाएं और मेरे फर्ज वो भी समझने मेरे लिए उतने ही जरूरी है। संध्या जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए कि भाभू को उस वक्त सिलाई सिखाने की इतनी जल्दी नहीं थी। बाबू ने मुझसे खुद कहा था कि अगर आज नहीं सीख पाई तो कल सिखा देंगे, पर मेरी गलती है संध्या जी कि मैंने आपसे ये बात छुपाई, तो मुझे क्या पता था कि बात इतनी उल्टी पड़ जाएगी। सूरज जी, ये देखिए, कल जब मेरी सिलाई को लेकर घर में इतना कुछ हुआ तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक निपुण गृहिणी बनने की हर कसौटी पे खड़ी उतर कर दिखाऊंगी, पूरे मन से कोशिश करूंगी ताकि बाबू को कोई शिकायत ना हो, अपने सपने के साथ साथ बाबू के उस सपने को भी पूरा करके दिखाऊंगी जो उन्होंने अपनी बहू के लिए देखे थे। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर, कहीं कोई ना कोई गलती हो ही जाती, या फिर किस्मत करवा देती। कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं संध्या जी, बल्कि कसूर हमारे झूठ का है जिससे आपको और भाभी को दोनों गलती तो कहा। और मैं भी क्या करता संध्या जी, घर के हालात ऐसे चल रहे हैं कि अभी भाभी को आपकी पढ़ाई के बारे में बताना ठीक ना होगा, गलत होगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।